कोरबा जिले में एक वृद्ध महिला ने जान की बाजी लगाकर घर में घुसे लुटेरों में से एक को पकड़ लिया और काफी संघर्ष के बाद घायल होने के बावजूद भी लुटेरे को पकड़े रखा। बदमाश तमंचा दिखाकर उसे जान से मारने की धमकी देता रहा, मगर महिला ने हिम्मत नहीं हारी और बदमाश को दबोचे रखा। शोर सुनकर जागे परिजनों और पड़ोसियों ने आकर लुटेरे को रस्सी से बांधकर जमकर पीटने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं इस बूढ़ी महिला के मर्दाने वाले साहस की सब लोग तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि महोबा जिले में गरीबी और भुखमरी से जूझ रहे ग्रामीण अपना धन और संपत्ति बचाने के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। इस मामले में भी यही हुआ। जब वृद्ध महिला मानकुवर के घर में चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए दो बदमाश उनके घर में घुस गए, लेकिन बदमाश जिसे अबला महिला समझ रहे थे वो तो मर्दानी निकली और उसने घायल होने के बावजूद भी एक लुटेरे को पकड़े रखा। पुलिस भी इस बहादुर महिला की तारीफ कर रही है। सोची कि बिल्ली है, सम बिल्ली की वो से निकले, जब निकले तो तारा खुलो रहा, गेट खुले रहा। सो हमने कही, हमने झुक के देखो, सो एक तो दे भागे हमने एक के पकड़ ला, वो कह रहे कट्टा घल जाएगा। मेरी घल जाए, लेकिन मैं छोड़ो ना, फिर मैं चिल्लानी हूँ बच्चों को कि भैया दौड़ो, बे आ गए भड़िया, खूब चिल्लानी। सो फिर किराएदार लड़का वो निकलो, मेरे लड़का निकले, फिर पति भी निकले साथ में। कैसे पकड़ा तुमने? मतलब हमने गुफा से पकड़ा, अच्छे दाब के पकड़ लो, तो हम क्योंकि छूट न दे, चाह भलाई चाह में गोली घल जाए। हाँ, कहते गोली घल जाए, कट्टा लोट, हमने कहीं गोली चाह घल जाए, मार जाए, लेकिन छोड़ो ना। मैं तो ये थाना क्षेत्र कोतवाली नगर जो है, कोतवाली महोबा के क्षेत्र कल्याण नगर मोहल्ले का मामला है। आज सुबह एक घर में दो बदमाश घुसे थे, जिसमें से एक महिला हैं, माता प्रसाद शर्मा के घर में घुसे थे। उनकी पत्नी ने उनको बहादुरी से उनको पकड़ा है और लोग भी सहयोग किए थे। और इसमें एक दूसरे बदमाश का भी नाम प्रकाश में आया है, अति शीघ्र उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोनों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है।